नमस्कार, रागगिरी में आपका स्वागत है। आज हम जिस खास कलाकार से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, उनके परिवार में संगीत परंपरा पिछले 500 साल से भी ज्यादा समय से चली आ रही है। वो अपनी परंपरा की 10वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। मैं बेहद विनम्रता से आमंत्रित कर रहा हूं पंडित सलिल भट्ट को रागगिरी के इस मंच पर। स्वागत है आपका। शिवेंद्र जी, आपको और रागगिरी के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को सलिल विश्वमोहन भट्ट का सादर नमस्कार, प्रणाम। मुझे आपसे आज आपके चैनल पे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। 500 वर्षों का इतिहास डेफिनेटली शिवेंद्र जी, शायद ज्यादा ही होगा। मेरे पास बकायदा फैमिली ट्री जो एक होता है, जो ग्रह पूरा वृक्ष होता है कि आपका क्या लीनेज आ रही है, तो जहां मेरे पिता का नाम विश्व विख्यात ग्रामी अवार्ड के विजेता पद्म भूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट है, वहीं मेरे दादाजी आपको यहाँ पीछे दिख भी रहे होंगे, तो उनका नाम स्वर्गीय पंडित मनमोहन भट्ट, लेजेंड कहलाते हैं वो आज की तारीख में, और उनके फादर का नाम विनोदी लाल जी था और उनके पिता का नाम कल्याण राय जी था। ऐसे करके मुझे अपनी पीढ़ियों के कई बहुत सारे नाम मुझे याद हैं और करीब 15 से 20 पीढ़ियों के मुझे मेरे पास रिकॉर्ड है। तो एक बहुत विशेष परिवार है, संगीत, साहित्य, कला और ये सभी जितने भी हमारे सर्वश्रेष्ठ जो कलाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ परिवार है। 500 वर्षों का इतिहास है और इसमें मेरा जन्म हुआ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो सलिल जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि जब 500 वर्षों से संगीत की परंपरा परिवार में चली आ रही हो, आप 10वीं पीढ़ी के आप कलाकार हो, तो बचपन कितना अलग रहता है? क्या कुछ जो आम बच्चे हैं उनके मुकाबले कितना अलग था आपका बचपन? ये उत्तर शायद थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है परिवार के बारे में। और बचपन और बच्चों से बिल्कुल भिन्न बीता है, उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहां क ख ग से पहले या ए बी सी डी से पहले या कोई भी भाषा, कोई भी बात करने से पहले संगीत के जो 7 स्वर वो कानों में पड़े, शायद जन्म से पूर्व ही इसके जो है मुझे ग्रहण करने को मिल गया था संगीत, जन्म से पूर्व ही। तो इस सब का बहुत बहुत बड़ा असर पड़ता है और ऐसे पर्यावरण में मैं बड़ा हुआ, ऐसा जो मेरा जो अपब्रिंगिंग है वो बड़ा बहुत ही अनुशासन में भी बहुत ज्यादा रहा और संगीत हर कोने से, कहीं से सितार की स्वलहरें आ रही हैं, कहीं से मैं देख रहा हूं कि मेरे गुरु, मेरे पिता अपने गहन तपस्या में लीन है, कहीं वायलिन की आवाज आ रही, मेरे एक जो काका हैं पंडित रवि मोहन भट्ट, पंडित महेंद्र कुमार भट्ट जी, वो वायलिन के बहुत बड़े गुणी ज्ञाता थे, चाहे पंडित शशिमोहन भट्ट जी हो जो मेरे सबसे बड़े ताऊ जी रहे, काका जी रहे, वो सितार के बहुत बड़े कलाकार, रेगिस्तान का, राजस्थान का रविशंकर उनको कहा जाता था, पंडित रविशंकर जी भारत रत्न मेरे दादा गुरु हैं, ये सारी जग जाहिर रही बात है। और इस तरह से बचपन भी अपने आप में बहुत ही अलग उसका सुंदरता रही और संगीत के बीच में ही मैं ऐसा लगा कि हर कमरे, हर जर्रे में और हर सांस में संगीत है। तो 500 वर्षों का इतिहास समेटे हुए मेरा ये परिवार और संगीत साधना में तपस्या करते हुए मेरे जो पूर्वज आते गए और बड़ा रोचक प्रसंग है, बहुत रोचक इतिहास है। तेलंगाना से माइग्रेशन शुरू हुआ था मेरे पूर्वजों का और जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम ने आज के करीब 350-350 साल पहले उन्हें आमंत्रण दिया था यहां आने के लिए। आप देखिए क्या दौर था, क्या जमाना था कि मेरे पूर्वज बहुत लंबी यात्रा करते हुए, उनको यहां पहुंचने में ही कई दशाब्दियां लग गई थी, यहां पहुंचते पहुंचते ही उनको 20-30 साल लग गए थे और सारे रास्ते उन्होंने पुण्य नगरी यानी पुणे में अपना बहुत बड़ा डेरा जमाया था। पुणे में उनकी, हमारी परिवार की बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां हो गई थी, क्योंकि वहां उस समय जो मराठा के जो सिरमौर थे छत्रपति शिवाजी,
तो उनको छत्रपति की उपाधि देने वाले मेरे ही अपने पूर्वज हैं, पंडित गंगाधर भट्ट। मराठी लोग जो हैं वो उन्हें पंडित गागा भट्ट के नाम से बहुत ही सम्मान, बहुत ही प्यार, बहुत ही आदर देते हैं। तो ऐसी एक एक लिनेज है, एक बहुत बड़ी लिनेज है। बूंदी महाराजा जो थे, कोटा के पास एक छोटी रियासत थी बूंदी, आज भी बहुत खूबसूरत जगह है। वहां भी जो महाराजा थे उनके गुरु मेरे ही पूर्वज श्री कृष्ण भट्ट हुए। तो ऐसे बहुत बहुत रोचक और बहुत ही दैदीप्यमान इतिहास समेटे हुए है मेरा परिवार का। ये पूरा एक जो इतनी पीढ़ियों से उसका काम चला आ रहा है, संगीत और साहित्य और लेखन, लिरिक्स, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंटल, चाहे जो भी आप कहें। और आपने तो काफी कम उम्र में सीखना शुरू भी कर दिया था। हालांकि मैंने कहीं पढ़ा, आपका एक इंटरव्यू कुछ समय पहले मैंने पढ़ा था, जिसमें आपने कहा कि आपने अपने पिताजी से कभी विधिवत तालीम जैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि आपने तो उनके साथ स्टेज पर सीखा, आपने उनकी रिहर्सल में उनके साथ सीखा। ये तजुर्बा कैसा था जरा हमें बताइए। जी देखिए, जब गुरु पिता हो और पिता ही गुरु हो, तो मैं समझता हूं अहो भाग्य मेरा कि मैं ये ईश्वर की कृपा है, ये महादेव की कृपा है साक्षात मेरे ऊपर, कि मेरे गुरु ही मेरे पिता है और मेरे पिता ही मेरे गुरु हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे गुरु के पास इतना समय कभी हुआ ही नहीं, आज भी नहीं है और आज के 20 साल बाद भी नहीं होगा। तो उनसे जो शिक्षा मैंने प्राप्त की वो ऐसे नहीं हुई जैसे कि हर कोई जनरली अपने कम से कम बच्चों को तो देते ही हैं ऐसे शिक्षा, अपने जो खास जो होते कि भाई विधिवत, उसे कहते हैं कि सीना बसीना बैठ के, यानी आमने सामने बैठ के गुरु अपने सिखा रहे। तो ऐसे बहुत ही नेग्लिजिबल, मतलब ऐसे मौके रहे होंगे, 100 में से एक आप कह सकते हैं ऐसा कभी रहा होगा, क्योंकि उनके पास समय नहीं था। और उसके बाद मैं बहुत तेजी से बड़ा हुआ, तो उनको देखते हुए जैसे वो बैठते थे, तो वो जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेके और वीणा पे उन्होंने जो जमाया है मेरा हाथ, तो वो ऐसा जमाया उन्होंने हाथ मेरा कि मैं उससे सारे जीवन जो मेरा उससे मेरा तर गया, मेरा पूरा जीवन उससे पार हो जाएगा और हो ही रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। ये होता है गुरु का आशीर्वाद कि उन्होंने हाथ का जो रखाव है और वीणा की जो एक एक पूरी जो पोजीशन है, उसका एक आसन है जो उन्होंने मुझे दिया है, उसके लिए अगर मैं 10 जन्म भी लेके तो भी उनका मैं ये कर्ज नहीं मैं चुका सकता। अच्छा, आप इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपसे बहुत गुजारिश करेंगे कि कोई एक धुन, कोई एक एक कोई भी एक राग जो आप बजाना चाहें हमारे लिए, वो उससे शुरुआत करते हैं संगीत पक्ष इस इंटरव्यू के। शिवेंद्र जी, रागगिरी की श्रोता बिरादरी के लिए एक मेरे गुरुजी का, एक मेरे बाप जी हुकुम का एक बहुत ही प्रिय राग है बिहार, थोड़ा सा आप लोगों के लिए वो बजाना चाह रहा हूं। है, श्रृंगार है, ये बिहार रास है, ये बचपन से आगे बढ़ता हूँ, स्कूल की तरफ जाता हूँ। आप साइंस के विद्यार्थी रहे हैं,
तो दो चीजें समझने वाली हैं, एक तो विज्ञान के साथ इस संगीत का संतुलन कैसा था, और क्या आपको लगता है कि जो जो पढ़ाई थी विज्ञान की वो भी किसी तरीके से इस संगीत में काम आई? जी, ये एक बड़ी विचित्र बात है कि मेरे स्कूल और कॉलेज में साइंस ज्यादा मुझे अच्छी लगती थी, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली म्यूजिक और साइंस दो ऐसी चीजें हैं कि जहां साइंस खत्म होती है म्यूजिक वहां शुरू होता है, तो इसलिए उनका कोई कोई वो नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि जो स्कूलिंग थी मेरी वो बहुत ही सख्त पर्यावरण में हुई। यहां मतलब ऐसे स्कूल में मैं पढ़ता था सेंट जेवियर्स में, कि जहां मतलब वो कुछ टाइम तो हिंदी बोलने पे भी फाइन लगाते थे। आप देखिए कि ऐसा ऐसा भी समय देखा हुआ है, और लेकिन जो भी है उस समय के लिए वो शायद वो उसने कुछ दो चार फायदे दिए कि एक पब्लिक एड्रेस कैसे करना है, और बहुत सारे उसमें गुण ये आ गए मुझमें कि स्कूल की असेंबली हुआ करती थी, तो उसमें सारा जो बोलने का जिम्मा है वो मुझे दिया जाता था। जब भी मेरी क्लास का जो नंबर आता था तो उस मैं ही उसको रिप्रेजेंट करता था अपनी क्लास को। बाद में उसके बाद मैं स्कूल लेवल पे, उसके बाद आगे और स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे मैं ही रिप्रेजेंट करता था, क्योंकि उनको लगता था कि बहुत अच्छे से मैं समझा पाता हूँ श्रोताओं को, दर्शकों को अपनी बात। और मैंने पढ़ा है आपके बारे में कि आपको तो क्रिकेट का भी काफी शौक था खेलने का, तो कोई अपना मैच ऐसा बताइए, थोड़ी देर के लिए संगीत से अलग करते हैं आपको, लेकिन कोई अपना एक ऐसा मैच, कोई ऐसा कोई ऐसी पारी जो आपको याद आती हो, जिससे कोई आपकी खूबसूरत यादें जुड़ी हो जिससे कभी आप ना भूलें? जी देखिए, क्रिकेट का मुझे बहुत शौक उस समय भी था, अभी भी है। अब खेलने का बिल्कुल भी नहीं मिल पाता समय, लेकिन बहुत ही उस समय तो क्रेज था क्रिकेट का, और मेरे उंगली में चोट भी लग गई थी, तो ये कुछ गैप कुछ अलग भी हो गया था। बहुत जोरदार लगी थी चोट हाथ में, तो मतलब मुझे तब भेजा जाता था बल्लेबाजी करने के लिए जब टीम की लुटिया पूरी डूब रही होती थी और उसकी नाव बिल्कुल डूब रही होती थी, जब मुझे भेजा जाता था बल्लेबाजी के लिए। तो मैं एक बहुत ही अग्रेसिव बल्लेबाज था, और एक ओवर में कई बाउंड्रीज में उड़ाता था। तो जब हम लोग अपने स्कूल के मेन पिच में खेल रहे थे, मेन जहां पे पूरा बकायदा ऑफिशियल जो पिच होता है क्रिकेट का, वहां पे खेले, जो मैंने जो सिक्सर मारा था तो वो मुझे अच्छी तरह ध्यान है, स्कूल की तीसरी चौथी मंजिल की खिड़की जो थी कांच की, उस पे वो जाके लगा, बहुत ऊंचा गया और वो बॉल उड़ती हुई गई और उस कांच पे लगी, और उसके बाद वो इतनी जोर से उसका धमाका हुआ और वो कांच वहां बिखरे नीचे आए। तो उसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल के जो कुछ और जो अनुशासन से संबंधित जो लोग हैं वो आ गए, तो लेकिन मुझे कुछ कहा नहीं गया, क्योंकि वो मतलब स्कूल को जिताने के लिए ही मैंने वो मारा था। तो कई बहुत सारे ऐसे मेरे पास प्रसंग हैं, लेकिन हाँ ये सारे जिंदगी मुझे याद रहेगा, क्योंकि इसमें वो कांच टूटा था, वो ऐसी वो शॉट लगी थी कि आज भी मैं उसको याद करता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं वापस ऐसा शॉट लगाऊं, और इतना तेज शॉट और इतना दूर कैसे हो गया वो आज भी मुझे नहीं इस बात की समझ आई। अच्छा, अब आते हैं सलील खालिस संगीत की बातचीत पर, और शुरुआत इसी से करते हैं कि आपने सात्विक वीणा बनाई और उसको अपने बेटे के नाम पे आपने रखा है, क्या अलग है इस वाद्य यंत्र में, इस वाद्य यंत्र के बारे में हमें बताइए। देखिए, मैं जब मेरा जन्म हुआ तो उस वक्त मेरे गुरु ऑलरेडी मोहन वीणा बनाकर सारे विश्व को अचंभित कर रहे थे। मैंने अभी हाल ही में अपना 50वां जन्मदिन मनाया है, हालांकि मेरे गुरु जो मेरे पिता हैं वो सोचते हैं अभी भी मैं 20s में ही हूं, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उन्होंने मुझे 50 साल में, मेरी जिंदगी की 50 साल में उन्होंने मुझे 20-24 साल ही देखा हुआ, क्योंकि बाकी तो वो बाहर रहे, तो उनको ये वो काउंटिंग उनकी ऐसी चलती है कि अभी भी मैं 20s में ही हूं। हालांकि गलतफहमी उनकी भी दूर हो गई जब मैंने उनको बताया कि हाँ सब 71 है और अब ये 2021 जनवरी है, 17 जनवरी को। तो ये बहुत ही रोचक ये पूरी यात्रा रही है, और मोहन वीणा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी, उसके से हाईली इंस्पायर मैं हुआ, उसकी बहुत बड़ी बहुत गहरी प्रेरणा मुझे मिली बचपन से लेकर आज तक, और शायद उसी ने मुझे एक नया वाद्य आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया, उसका नाम हुआ सात्विक वीणा। बहुत ही अद्भुत है ये सात्विक वीणा, बहुत ही अद्भुत है
इसकी पूरी क्रोनोलॉजी जैसे सात्विक वीणा बनी वो पूरा प्रसंग बहुत ही रोचक है, बहुत ही वो मेरे जीवन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो यही है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा जो अध्याय है मेरे जीवन का वो यही है कि आज के करीब ऑलमोस्ट अब 23 साल होने वाले हैं तब मेरे पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई मुझे, और पुत्र का आगमन हुआ महाशिवरात्रि जैसे महापर्व पर, तो ये महादेव की साक्षात कृपा है, उनकी दया है, इतना बड़ा आशीर्वाद कि जब सारा विश्व महाशिवरात्रि के पूजा अर्चना में लीन था उस समय सुबह के वक्त जब मंदिर में शिवालयों में पूजाएं हो रही थी और कीर्तन हो रहे थे और घंटे घड़ियाल बज रहे थे, उस ऐसे पावन समय सात्विक का मेरे पुत्र का जन्म हुआ, और सात्विक उसका नाम है, वो भगवान शिव का ही पर्यायवाची शब्द है। तो मेरी धर्मपत्नी जो है डॉक्टर प्रीति भट्ट, उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला कि शिव सहस्त्र नाम आप लेके आइए और बेटे का नाम भगवान शिव के ही नाम पे होगा, और तब उन्होंने ये नाम उसका दिया सात्विक। और देखिए उस नाम की क्या तासीर है, उस नाम का क्या असर है, उस नाम का क्या चमत्कार है कि वो एक नाम से मैं विश्व के 42 देशों में आज तक सात्विक वीणा वादन करके अपने गुरु का, अपना और अपने देश का, सभी का मैं वहां मान बढ़ा चुका हूं। 42 देश हो चुके हैं, जर्मनी की पार्लियामेंट और आइसलैंड और ताइवान जैसे सुदूरवर्ती देश, उनकी भी अपनी एक कहानी है, अगले प्रश्न में मैं उसको सॉल्व करूंगा। सात्विक वीणा जैसा शब्द जैसा नाम वैसे ही उसके स्वर, शुद्ध सच और सात्विक, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये मेरी वीणा जो है, ये इसकी परिकल्पना मोहन वीणा के बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत के रूप में ये मोहन वीणा रही इसकी, और पेरेंट वीणा वही है, और सात्विक वीणा उसी से प्रेरित होकर मैंने बनाई है। सबसे बड़ी बात सात्विक वीणा की कि इस वीणा में कोई जोड़ नहीं है, इस वीणा में कोई जोड़ नहीं है, ये वाद्य बिना जोड़ के है, बेजोड़ है ये वाद्य, क्योंकि हर वाद्य में कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक दो या तीन जोड़ होते हैं, जॉइंट्स जिन्हें हम कहते हैं, नेक जॉइंट्स या बॉडी जॉइंट्स या टॉप जॉइंट। तो जितना जोड़ होगा उतना दुखेगा और जितने जोड़ होंगे उतने तकलीफ देंगे, तो अगर जोड़ होगा ही नहीं तो टूटेगा भी नहीं और दुखेगा भी नहीं। तो ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल था जो मैंने कंप्लीटली उसको हटा दिया कि इंस्ट्रूमेंट में कोई जॉइंट नहीं, वो लकड़ी का एक ब्लॉक है। सात्विक वीणा इतनी विशेष है, जो जीवन का सबसे अनूठा जो अनुभव रहा वो सात्विक वीणा जब जर्मनी के पार्लियामेंट में बजी म्यूनिख में, और ये हुआ 2005 में, सन 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति हमारे देश के भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो खुद एक सरस्वती वीणा वादक थे, वो मुझे अपने साथ चयन करके, उन्होंने मेरा चयन किया, ये मेरे लिए इससे बड़े और गर्व की क्या बात हो सकती है। सारे अवार्ड सारे ये सब ये एक तरफ रहे, लेकिन ये जो सम्मान मुझे प्राप्त हुआ तो आज के 16 साल पहले की बात हो गई है। तो वो अपने साथ मुझे जर्मनी के पार्लियामेंट में ले गए, जहां मैंने एक फुल पूरा कार्यक्रम पौन घंटे का अपने सात्विक वीणा वादन का प्रस्तुत किया। और उसके बाद जो है, जो एक कहते हैं कि कलाकार की ख्याति होती है, मानो उसको पंख लग गए, मानो उसको रॉकेट की गति मिल गई, तो उस दिन के बाद से जो है करियर जो है, और वो उसको बहुत पंख लग गए, उससे पहले भी अच्छा ही चल रहा था, लेकिन सात्विक वीणा बनी और सात्विक वीणा मैंने बजानी शुरू करी, उसके बाद तो मानो जैसे जो एक म्यूजिकल ग्राफ होता है करियर का, वो पूरा वो बहुत तेजी रॉकेट की स्पीड से वो उसने उड़ान भर ली। और उसके बाद दूसरा एक बहुत जबरदस्त इंसिडेंट है, जब मुझे एपीजे अब्दुल कलाम ने ही दोबारा पुनः मुझे उन्होंने अवसर दिया, और वो अब की बार मुझे अपने साथ आइसलैंड लेके गए। हमारे बहुत सारे दर्शकों श्रोताओं को ये भी नहीं पता होगा, आज भी अवेयरनेस थोड़ी सी, मैं इसलिए लोगों से कहता हूं अवेयरनेस बढ़ाइए,
कि आइसलैंड दुनिया के नक्शे में कहां है, तो आइसलैंड की राजधानी रेकेविक में कार्यक्रम दिया मैंने, ठीक उसी तरह जिस तरह जर्मनी के पार्लियामेंट में मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ था कि प्रथम भारतीय कलाकार जिसने जर्मनी के पार्लियामेंट में अपनी प्रस्तुति दी, उसी तरह आइसलैंड में भी पुनः मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ आइसलैंड की राजधानी रेकविक में। तमाम जितने भी मंत्रिमंडल था, वहां की जनरल पब्लिक थी, वहां के श्रोता थे, करीब 1.5 से 2 हजार के बीच में श्रोता थे, और रेकविक में ये कार्यक्रम मैंने प्रस्तुत किया। और अब आपने इस वाद्यंत्र के बारे में बता ही दिया है, तो फिर एक गुजारिश दोबारा यही करूंगा कि कोई एक राग, कोई एक बंदिश जो आप बजाना चाहें इस खूबसूरत पवित्र वाद्यंत्र पर। शिवेंद्र जी, जैसा आपने कहा कि सांस्कृतिक वीणा, अब इस पे जब तक ये वीणा जब तक गाएगी नहीं, जब तक मेरा क्या, मैं किसके लिए हूं, तो वीणा जो है वो मेरी गोद में है, और एक्चुअली मैं वीणा की गोद में हूं क्योंकि वीणा ने मुझे पाला है, और भगवान शिव का, महादेव का एक बहुत ही प्रिय, अति प्रिय राग है, उसको कहते हैं राग जोग, जो सारे विश्व में जाना जाता है। अपने स्वरों के माध्यम से मैं आपके श्रोताओं तक, आपके दर्शकों तक ये राग पहुंचा रहा हूं। हर हर महादेव। की जो विशेषता है उस पर जब बात आती है तो आपको तेज तानों के लिए जाना जाता है, ये क्या है, इसको जरा समझाएं भी, और अगर आप इसको हमें बजाकर दिखा सकें तो और मजा आएगा। हाँ जी शिवेंद्र जी, मैं तानों के लिए और तीव्र गति से, तेज गति से ताने बजाने के लिए मैं जाना जाता हूं, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि हाँ ये आप पे एक वो भी है, एक इल्जाम भी है, मैं इसको इल्जाम की तरह भी ले सकता हूं, मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह भी ले सकता हूं, और यहां तक कि मुझे कई मीडिया और उसकी तरफ से मुझे बहुत ही विशेष मैं मानता हूं, बहुत ही मेरा सम्मान बढ़ाते हुए कुछ ऐसे मुझे कमेंट्स मिले, शायद उसी की वजह से मैं बता रहा हूं आपको कि मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद में कलन सोम सुंदरम, उनका नाम है, उन्होंने मुझे जिमी हेंड्रिक्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बताया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि बहुत खुले दिल से और बिल्कुल निडर निर्भीक होके मेरा वादन, मेरी वादन शैली है, और उसमें तीव्र गति की तानों का बहुत समावेश है। तीव्र गति की तानों के लिए ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की जो ग्रिप है, जो मैंने आपको बताया था इससे पहले कुछ सवालों में, कि मेरे गुरु जी ने मेरा हाथ जो रखवाया, मेरे गुरु ने, मेरे पिता ने वीणा पे, वो इतनी अच्छे से उन्होंने रखवाया कि उससे जो उंगलियों की जो गति है तारों पे,
वो इतनी तेज हो सकती है कि वो आपको दिखेंगे नहीं, मुझे भी नहीं दिखेंगे। तो ये मेरे एक शायद नेचुरल इंस्टिंक्ट भी था कि मुझे गति से बहुत लगाव है और इसीलिए बहुत ही हाई स्पीड तान मुझे बजाने का बहुत शुरू से मुझे इसमें शौक था, महारत हासिल की मैंने। और मुझे एक और चैनल ने स्पीड डेबन का खिताब दिया है, स्पीड डेबन का खिताब दिया मुझे एक टीवी चैनल ने, और ऐसे इस तरह से बहुत सारे खिताब हैं मेरे पास। तो वो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा अवार्ड है, इतना बड़ा अवार्ड किसी इंडियन म्यूजिशियन को नहीं मिला होगा। जब मुझे जिमी हेंड्रिक्स की उपाधि दी गई, जिमी हेंड्रिक्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो ये एक तरह से एक रीडिफाइनिंग मोमेंट आप कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में। मुझे सुन करके अगर किसी को ऐसा लग रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है। और संभवतः जो मैं पिछले सवाल में मैंने नहीं कहा, लेकिन संभवतः उसी की वजह से या शायद दोनों एक दूसरे के पूरक है कि गाड़ियां आप काफी तेज चलाते हैं, आपको तेज गाड़ी चलाने का शौक है, ऐसा है क्या? जी शिवेंद्र जी, मेरी ये तेज तान और तेज गाड़ी चलाने की जो ये जो आदतें हैं, ये इनसे मेरे गुरुजी थोड़े से नाराज हो जाते हैं, थोड़े से ही सी गेट्स लिटिल एंग्री, क्योंकि वो शायद बहुत मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि मुझे आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीड ड्राइविंग। और आपके उत्तर प्रदेश में इतनी शानदार सड़कें हैं जितनी जर्मनी में भी नहीं होंगी, वो स्पीड हमने आपके उत्तर प्रदेश में लगाई है। और मैं वो न तो हाईवेज का नाम लूंगा मैं और न ही मैं स्पीड बताऊंगा, क्योंकि उससे वो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी कंट्रोवर्सी हो। लेकिन हाँ, स्पीड मतलब इतनी है कि आप ये मान के चलिए कि, और दूसरा अगर किसी को मैं बताऊंगा भी तो वो लोग यकीन नहीं करेंगे, उतनी स्पीड पर हम लोगों ने गाड़ी चलाई है, ईश्वर कृपा ईश्वर दया। अभी उसको थोड़ा सा मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं, अब देखते हैं। फिर आपके उत्तर प्रदेश की सड़कों में फिर आएंगे तो क्या पता फिर वापस घोड़े पे पैर वापस दब जाए। सलील जी, हम इंटरव्यू को और आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार फिर यही गुजारिश करेंगे कि कोई एक टुकड़ा, कोई एक ऐसी चीज, कोई एक बंदिश, कोई एक राग जो आप बजाना चाहें रागगिरी के दर्शकों के लिए। ये झाला कहलाता है, इसे कहते हैं झाला। कहा जाता है कि जो क्लासिकल म्यूजिक है, जो परंपरागत शास्त्रीय संगीत है, वो तो आप बजाते ही हैं, लेकिन आपकी नजर और आपकी पकड़ जो वर्ल्ड म्यूजिक है जिसमें फ्यूजन बहुत सारा होता है, उस पर भी बहुत पैनी रहती है, बहुत गहरी पकड़ है आपकी। तो ये कैसे संभव हो पाता है, कैसे इसका संतुलन बनता है, थोड़ा सा हमें समझाइए। देखिए, वर्ल्ड म्यूजिक, विश्व संगीत, इसको हमारे देश में कोई समझा ही नहीं, आज तक भी नहीं समझा। मैं बताता हूं आपको, इसका प्रारंभ, इसका शुभारंभ किया मेरे दादा गुरु भारत रत्न पंडित रविशंकर जी ने, जब उन्होंने बहुत बड़े स्टार्स बीटल्स के साथ अपना कोलैबोरेशन किया। चाहे एक दर्जन और दूसरे संगीतज्ञों का नाम ले लीजिए, यहूदी मैन्यून के साथ नाम ले लीजिए, ये मेरे दादा गुरु पंडित रविशंकर जी ने किया। ये सारा सब हो रहा था 60s 70s में। उसके बाद 80s में जो है मेरे गुरु जी ने उसी परंपरा को, उसी महान परंपरा को अपने गुरु की आगे बढ़ाते हुए
बहुत सारे पाश्चात्य संगीतज्ञों के साथ कोलैबोरेशन शुरू किए। उसके बाद करते 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 90-92 में उनका एक रिकॉर्ड हुआ जिसका नाम मीटिंग बाय द रिवर, आज सारी दुनिया में उसको जाना जाता है। मीटिंग बाय द रिवर एक आइकॉनिक वो है, ये बात मैं कर रहा हूं अब तो 28 साल 29 साल होने को आ रहे हैं। उससे उनको जो ख्याति मिली, उससे ग्रैमी अवार्ड जो उनको मिला, तो 27 साल पहले 1994 में जब उनको ग्रैमी अवार्ड मिला था तो यहां हमारे देश में लोगों की अवेयरनेस इतनी भी नहीं थी कि वो ये जाने कि ग्रैमी अवार्ड ये किस चिड़िया का नाम है। तो बाद में पत्र पत्रिकाओं ने ये कहा कि विश्वमोहन भट्ट वो कलाकार हैं जिन्होंने ग्रैमी को पॉपुलराइज किया हमारे इस देश में, एशिया के इस भाग में। तो ये कहा गया कि विश्वमोहन भट्ट पॉपुलराइज ग्रैमी रादर देन द अदर वे अराउंड। तो ये अवेयरनेस की एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे देश में, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो ये चला आ रहा है सिलसिला इतने पहले से। उसके बाद मैं भी ये देख सुन के बड़ा हुआ और 1996-1997 में मुझे भी गौरव प्राप्त हुआ उसी स्थान पे, उसी पावन जगह पे रिकॉर्डिंग करने का। और एक विदेशी कलाकार है मेक्सिको के, डेविड हिडाल्गो, उनके साथ एक कोलैबोरेशन करके एक सीडी निकालने का, जिस स्थान पे मेरे गुरु द्वारा ये ग्रामी अवार्ड विनिंग रचना मीटिंग बाय द रिवर की रिकॉर्डिंग हुई थी। तो वर्ल्ड म्यूजिक यानी विश्व संगीत, ये अपने आप में एक ऐसा इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही दिलचस्प एक म्यूजिक का योनर है, बिल्कुल अलग, जो संगीत की एक धारा को दूसरी धारा से साथ में लेके आने का एक बहुत बड़ा उसका लक्ष्य होता है। मैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कुछ लोक संगीत और कुछ सेमी क्लासिकल संगीत, इन तीनों को मैंने ध्यान में रखा जो कि मैं करता आया हूं। और फिर उसके बाद एक हाथ में मैंने लिया अमेरिकन ब्लूज, यानी वहां का सबसे पॉपुलर नॉन फिल्म म्यूजिक, नॉन कमर्शियल म्यूजिक जिसे कहते हैं, वो हुआ ब्लूज, ब्लू ग्रास, फंक, गॉस्पेल, बहुत सारे जॉनर्स हैं। तो हमने अमेरिकन ब्लूज, ब्लू ग्रास और फंक, इन सब के साथ हमने कंबाइन किया। तो ये मेरा भी एक्सपेरिमेंटेशन, ये भी बहुत पहले से शुरू हो गया था। और मैं आपको बताता हूं कि जब कनाडा में गया था करीब आज के 17-18 साल पहले, तो उस समय पहले ही टूर में मेरी मुलाकात हुई एक बहुत ही अच्छे कैनेडियन डोब्रो गिटार प्लेयर और सिंगर हैं डग कॉक्स, उनके साथ। उसके बाद उनके साथ जो मेरा एल्बम बना स्लाइड टू फ्रीडम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तो उसको इतनी सफलता मिली उसको बोला गया कि मीटिंग बाय द रिवर एक आइकन था। उसके बाद बहुत इंतजार करने के बाद 90s के बाद ये 2000 में, यानी 2005-2006 में ये रिकॉर्डिंग आई और ये चलती रही, तीन इसके एक के बाद एक एल्बम आए। और उसके बाद जो मेरा दूसरा एल्बम था उसको कैनेडियन ग्रैमी का नॉमिनेशन मिला, उसको ग्रासरूट्स ग्रैमी का नॉमिनेशन मिला, उसको ग्रैमी जो मेन जो ग्रैमी है अमेरिकन, उसके लिए उसको नॉमिनेशन कैटेगरी तक वो पहुंचा। ये हुआ था 2009-2010 में, अब तो वो भी बात पुरानी से रहने लग गई, लेकिन ये सारा बहुत ही एक बड़ा दिलचस्प एक पूरा प्रसंग है। और अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट पर ये हमें फर्क जो है दोनों शैलियों का, यानी परंपरागत शास्त्रीय संगीत और फिर वर्ल्ड म्यूजिक में जो चीजें प्रचलित हैं, किस तरीके से कोलैबोरेशन होता है, ये जरा हमें करके दिखाइए।
जो है ये चलती रहेंगी। देखिए लेटेस्ट जो है मेरी तरफ से वो न्यूज ये है कि मैं आई टर्न 50 इयर्स, तो जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे एडमायरर्स हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरे भाई बंध हैं, जो मेरे गुरु बंधु हैं, उन सब ने मुझे बहुत प्रेशराइज किया कि मैं अपने इसको वो लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो मैंने उनको रोका नहीं, क्योंकि संगीत भी एक उत्सव है और अगर वो ऐसा चाह रहे हैं तो मैं आई कैन नॉट स्टॉप देम। तो उनकी बहुत ये इस बात की मेरे से उन्होंने रिक्वेस्ट करी, सभी लोगों ने, बहुत बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं कि इसको हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो मैंने कहा यस श्योर। तो अभी उसमें मैं अपने संगीत के दोनों तीनों चारों जितने भी ऑनर्स हमें दिखाने की मैंने प्रेजेंटेशन करी है। जयपुर में इसका पहला कार्यक्रम हुआ था 17 जनवरी, मेरे जन्मदिन के दिन ही जयपुर में जवाहर कला केंद्र में, बहुत ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ राजस्थानी लोक संगीत भी हुआ, विश्व संगीत भी हुआ, और कुछ लाइट म्यूजिक, कुछ जो कमर्शियल जो है ऐसा संगीत भी हुआ। तो वो चारों उसके जॉनर्स मैं सामने ला रहा हूं एक ही कार्यक्रम में, एक ही संध्या में, एक ही सिटिंग में, मेरे श्रोताओं को, मेरे दर्शकों को इन सभी जॉनर्स का आनंद मिला। तो ये अपने आप में एक बहुत एक बिल्कुल एक नया एक प्रोजेक्ट मेरा इस समय चल पड़ा है, और ये कई शहरों में है, दिल्ली भी मैं आने वाला हूं कुछ समय के बाद, बंबई भी है, बड़े शहरों में भी होने वाला है ये, और अभी इसके बाद मैं इंदौर की तरफ मैं प्रस्थान कर रहा हूं। सरे जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, आप रागगिरी के मंच से जुड़े, आपने हमसे बातचीत की, और इस बातचीत में वाकई बहुत मजा आया, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत पवित्र संगीत सुनने को मिला, आपके वाद्यंत्र के बारे में पता चला, और आपकी जो तेज तानों की के पीछे की कहानी है वो भी हमने सुनी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रागगिरी की तरफ से, आपका संगीत सफर यूं ही मजबूती के साथ आगे बढ़ता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।